Sei que são de. पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे, तब जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में जा गिरी और उसे मछली ने पी लिया। उसी पसीने की वजह से मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, उसमें से एक वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फेसबुक पर हमारा पेज जरूर लाइक करें और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।